हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं हम बाबा महाकाल के नाम से, तो बोलो जय श्री महाकाल दोस्तों। और दोस्तों आज की नेपाल राइड के इस वीडियो में, आज जो है हम मुस्तांग में हैं, और कल की वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम मुक्तिनाथ से चले थे और पोखरा की ओर चले थे, पर पोखरा नहीं पहुँच पाए क्योंकि कल नाइट में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे, इस वजह से हम ओल्ड मुस्तांग में ही हमने स्टे कर लिया। तो अभी मॉर्निंग के वजह है करीबन 8, और अब यहाँ से फटाफट से हम बाइक पे हमारा सामान वामान लोड करते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। तो चलो दोस्तों मिलते हैं बाइक पे। रेडी हो चुकी है निकलने के लिए, अब जो है इसे धक्के से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसकी बैटरी लो आ रहा है। अब पोखरा जाके ही जो भी हो पाएगा। और यहाँ हम इस होटल में रुके थे, इस रेस्टोरेंट में, और बाइक सारी लगेज कम्प्लीट हो चुका है। तो चलो अब चलते हैं दोस्तों। हम जो है मुस्तांग से निकल चुके हैं, अभी बाइक हमारी स्टार्ट हो गई है, बाइक पे लो बैटरी भी आ रहा है। तो आज प्लान यही है कि थोड़ा जाएं जल्दी से हम लोग पोखरा, ताकि हमारी बाइक को हम कोई सर्विस सेंटर, KTM सर्विस सेंटर दिखाएं और जो भी इसका प्रॉब्लम है वो सारा दूर हो। पर कल नाइट में काफ़ी लेट हो चुके थे हम, इसलिए हमने कोई आगे रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, इसलिए हमने प्लान किया कि हम लोग यहीं स्टे कर लेते हैं क्योंकि आगे रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कई लैंडस्लाइड वाला है। तो इसलिए हमने कुछ भी रिस्क नहीं लिया कि भाई नाइट में अगर हमारे लिए रास्ता नया है। रही बात हमारा बाइक चिंटू जो है सेल्फ नहीं ले पा रहा, बैटरी इशू है, तो अब जब पोखरा जाके ही हो पाएगा, तो इसलिए हमने सोचा कि मुस्तांग में ही स्टे करना काफ़ी उचित है, इसलिए वहीं रुक गए थे। और जो है अभी निकले हैं, आज प्लान यही है कि आज जल्दी पहुँचे पोखरा और हमारी बाइक को जो है हम सर्विस सेंटर दिखाएंगे और जो भी इसका प्रॉब्लम है वो सारा दूर करेंगे। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने जो है शायद ब्लास्टिंग हुआ है, तो सभी जो है ट्रैफिक लगा हुआ है, तो देखते हैं कि हम लोगों को जो है रास्ता मिलता है या नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से तो रुकना ही पड़ेगा हम लोगों को। फिर होंगे कि किस तरीके से रास्ता है, कीचड़ वगैरह, पत्थर वगैरह, वही निकल गए। एक जगह तो ऐसा आया था कि फिसल जाते भाई, हम बच गए वरना आज गिर जाते आराम से। हाँ तो दोस्तों जो है हमारे बाइक ने हमें बहुत ज़्यादा ही थका दिया है क्योंकि इसमें जो है लो बैटरी, ABS फ्यूल सारा आ रहा है। तो अब हम जाएंगे यहाँ से पोखरा, और पोखरा जाके जो है इसका जो भी प्रॉब्लम है सारा वो दूर करेंगे। तो हमें जाना है डायरेक्ट KTM सर्विस सेंटर और उस बाइक को पहले चेक करवाएंगे सारा कि आखिर क्या इशू है क्या नहीं, उसके बाद जो है हम सीधा निकलेंगे अपने काठमांडू। इस तरीके के छोटी छोटी वाटर कर्सी हैं रास्ते पे, यू नो पैसे की चैट ग्लिच। सबसे बुरी बात तो यह है दोस्तों कि हमारी बाइक चिंटू का देखो किस तरीके से सब मिट्टी, रेडिएटर पे भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी, और ये इंजन्स वगैरह, ये पीछे सॉकअप, और जो अभी का रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था क्योंकि हम शायद हमने ये तो एक टर्न गलत ले लिया था आने में, जिससे हमें क्या है कि गलत रास्ते पे आना पड़ा। और देख पा रहे होंगे आप कि हमारी बाइक चिंटू किस तरह कितनी बुरी हालत हो गई है, लगता है अब जब पोखरा जाके हमें इसे वॉशिंग करवाने। जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग के बाद हम लोगों को थोड़ा
बहुत अच्छा रास्ता मिला है, थोड़ा क्या बहुत ही अच्छा रास्ता मिला है। तो बस हम चले जा रहे हैं पोखरा फटाफट। करीबन अभी टाइमिंग हो रहा होगा 12:30 के समथिंग। यहाँ से पोखरा करीबन अभी भी 50 किलोमीटर के समथिंग है, और जो है हालत काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की ख़राब हो चुकी है। तो जब पोखरा पहुँचे और हमारी बाइक की हालत भी ठीक करे, हम भी थोड़ा व्यस्त हो, और फिर देखते हैं काठमांडू के लिए कब निकलना। हालांकि काठमांडू तो हम कल ही प्लान करेंगे मॉर्निंग में, आज तो प्लान यही करेंगे कि पोखरा ही रुकेंगे। हम लोग जो है पोखरा पहुंच चुके हैं, हमारे होटल है जहां हम रुके थे वहीं आ चुके हैं। अब यहां रुकते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर अपनी चिंटू को ले जाते हैं सीधे सर्विस सेंटर। तो जो है दोस्तों, हम जो है हमारी बाइक को सर्विस सेंटर लाए हैं कि हमारी बाइक जो चिंटू है वो डिस्चार्ज, मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी उसमें, तो उसमें इस चीज़ का प्रॉब्लम था। ये जो फील्ड है ये जल चुका है, तो ये हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम था। तो दोस्तों हमारी बाइक चिंटू जो है हाईवे डेटी हो चुकी है। आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया ही कि क्या इशू हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुआ था हमारी बाइक चिंटू में। तो जो है वो हमने करवा लिया है यहाँ शोरूम पे, हमने कंप्लीट करवा लिया है, और हमारी बाइक जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है आगे जाने के लिए। और वॉशिंग वगैरह भी करवा लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी हमारी बाइक। हमने सोचा कि वॉश वगैरह भी करवा लेते, सारा कंप्लीट कर लेते फिर निकलते। तो चलो दोस्तों, अब अपनी बाइक रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे के लिए। चलो।